गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 से संबंधित क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ चुके थे, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या लिखा गया। क्वेश्चन का हेडिंग लिखा गया है कि पुस्तक में सही संख्या को भरे। ठीक है, लिखा गया पुस्तक में सही संख्या को भरना है। इसके तहत चार क्वेश्चन दिए गए हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, अभी हम आप लोगों को ए और बी सी दो ही क्वेश्चन लिखे हैं, पहले समझेंगे दोनों क्वेश्चन को, कैसे इसको हल करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा गया क्वेश्चन नंबर ए क्या है जी, 24 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको एक बीजगणितीय सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसके जिससे यह हल करने में आसानी होगी। तो सूत्र क्या है कि बताया गया था आपको कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है जी, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, क्या होता है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी फॉर्मूले में हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। एक दीजिए बीजगणितीय सूत्र है, चलिए अब यहाँ पर ये क्या है कि ध्यान देंगे, ये क्या 24 है, बी क्या 23 है, यानी ए स्क्वायर 24 स्क्वायर बी स्क्वायर 23 स्क्वायर, यानी इस सूत्र में आपका ये मान दिया गया है, हमें इसको ज्ञात करना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये मान हमें यहाँ पे दिया गया है, चलिए इसको लिखते हैं। पहले यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये मान आपको दिया गया है, ठीक है, इसका मान दिया गया है, क्या करना है हमें ज्ञात करना है आपको, इसके हमें ज्ञात करना है ये कितना है। यहाँ पे लिख देंगे ए बराबर 24 और बी बराबर 23, ये क्या 24 है, बी क्या 23 है। चलिए अब यहाँ इसका मान भरेंगे, क्या लिखेंगे, ए प्लस बी। ठीक है, यानी ए कितना है जी 24 प्लस बी कितना है 23 इंटू क्या है ए माइनस बी, नहीं 24 ए है और 23 बी है, यानी ए प्लस बी तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो ए माइनस बी। ठीक है, जितने हम सजा दिए हैं अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो मिलेगा कितना जगह 4 3 7 2 2 4 मिलेगा आपका 47 इंटू जाएगा 3 तो 1 और जाएगा 2 तो क्या जी 0, यानी क्या मिल गया जी, यानी यहाँ पर लिखेंगे मान लिखेंगे तो हमें यहाँ मिल गया 47 इंटू 1 इजकल टू 47 इसका सही आएगा आंसर। तो इसमें क्या भरेंगे क्वेश्चन में जी, इसमें भरेंगे क्या जी 47 यानी 47, यहाँ क्या भरेंगे 47, चाहे तो आप इसका वर्ग करके घटा कर देख सकते हैं। चलिए अभी आपको दिखा देते हैं, 24 का वर्ग करेंगे चार चुके 16 एक, चार दुगुनी 8, चार दुगुनी 8 आठ आठ 16 एक 17, दो दुगुनी 4 5, कितना गया 5 से 6 आ गया। अब अगर करेंगे 23 का, 3 3 9, 3 2 6, 3 2 6 6 6 12, 81 2 2 4 15, इसका आ गया 529, घटाएंगे तो घटाएंगे तो 16 में से 9 गया 7 और 6 में से 2 गया 4, 5 से 5 कैंसिल, कितना गया 47, कितना गया 47, यहाँ लिखा है 47। ठीक है, इसलिए आपको इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप इसको याद रखेंगे क्या जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इतना बात आप याद रखते हैं तो इसे आप आसानी से हल कर सकते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर एक बंद कर दिए, देखते हैं बी नंबर। हम बी में आपको दिया है क्या, इसमें आपको दिया है 102 का स्क्वायर माइनस 101 का स्क्वायर, सूत्र आपका यही रहेगा ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका ए आ कितना है, ए आपका दिया गया है 102 और बी में आपका दिया गया है 101। और लगाएंगे फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए इसका मान भरेंगे आप ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है, क्या हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए कितना है जी, ए कितना माना है 102 प्लस बी कितना है जी 101, यानी ये आपका हो गया क्या जी ए प्लस बी ठीक है ए माइनस बी 102 माइनस 101। चलिए यहां लिखते हैं, यहां लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना रहेगा 102 और एक संख्या कितना बचेगा 203, यानी 2 1 3, 0 का 0 और 1 का 1 2, 203 शून्य घटाएंगे दोनों से एक गया एक, यानी 0 0 गया 0 और एक से गया 0, यहाँ पर आ गया एक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 203 गुणन 203 गुणे ए इक्वल टू 203, यानी आप आ गए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना दी 203 आपका सही, यानी यहाँ बने कितना 203। तो ये आज सिखाने का तरीका है, फॉर्मूला आपका यही है जिस सबको हल करना चार क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन ए और बी हम हल कर दिए, बचा है क्वेश्चन नंबर सी और डी ठीक है, बोर्ड के क्वेश्चन को इसे आप अपने से स्वयं से हल करने का प्रयास करेंगे ठीक है। जानकारी है क्वेश्चन नंबर ए को, क्वेश्चन नंबर सी और डी। सी में आपको दिया है 501 स्क्वायर माइनस 500 स्क्वायर बराबर उसका दिया है, डी में दिया है 400 स्क्वायर माइनस 399 स्क्वायर बराबर पूछता ठीक है। तो इसे आप लोग भाग करेंगे सी और डी को, जैसे बनाया क्वेश्चन नंबर थ्री ए और बी वैसे इसको हल करना है, यदि आप समझे होंगे इसे आसानी से हल कर सकते हैं ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।